आंवला नवमी अथवा अक्षय नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है। यह पर्व दिवाली त्यौहार के बाद आता है। इस व्रत को घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस पूजन में आंवले के पौधे, फल, तुलसी के पत्ते, कलश, जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, दूध, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान और दान के लिए अनाज आदि के साथ किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसी के पास भोजन बनाकर उसे ग्रहण किया जाता है। आंवले के वृक्ष पर दूध चढ़ाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का वास होता है। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने बताया कि पूजा आस्था है और क्या क्या महत्व है इसका। महत्व आंवले का तो वैसे ही बहुत है, आयुर्वेदिक में इतना दवाई में काम आता है ये, इसीलिए इसकी ज़्यादा पूजा करते हैं। धार्मिक विचार से भी है। आज के दिन क्या महत्व होता है? आज के दिन लोग दान करते हैं, आंवले का पूजा करते हैं। इसमें कहानी है इसका ना, क्यों पूजा करते हैं, मतलब कुछ होगा ना? हाँ, क्यों का नहीं मालूम, पूजा आज के दिन करते हैं आंवले का। राजा वाला कहानी है कि राजा दान करता था आंवले का, तो उसके बेटा बहू उसको घर से निकाल दिए थे। अब फिर वो आंवला आन के बिना खाना नहीं खाए, तो फिर उसके वहाँ पे उसका अपने आप भगवान उसको आंवला के उतना धन उसको दिए, उतना वो आंवला दान करके अपना अलग से खाने लगे, इसीलिए इसको पूजा करते हैं। विश्वास है लोगों को कि आज के दिन आंवला की पूजा करते हैं। आंवला में भगवान विष्णु का वास होता है और लक्ष्मी का वास होता है। आज के दिन आंवला की पूजा करते हैं, आंवले का दान करते हैं, तो हमारा पूरा परिवार सब लोग स्वस्थ हैं, धन धान्य से भरपूर रहते हैं। इसमें एक राजा था, वो रोज आंवला का दान करता था, तो उसको उसके घर वालों ने नहीं दान करने दिया, तो भगवान ने उसके लिए एक मतलब वो किया, इंतजाम किया, तो उसके साथ खूब उसका धन वैभव खूब बड़ा, सुख समृद्धि बढ़ी रही, इसलिए आज के दिन लोग करते हैं। और आज के दिन जो करने से उसका अक्षय गुना फल मिलता है।